हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। दोस्तों, जेएसएससी ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जो एग्ज़ाम एजेंसी जो कंडक्ट करवाया था उससे रिलेटेड एजेंसी है, ठीक है। जेएसएससी ने परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल दिया है, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आप लोग के लिए, और हम ये भी बात करेंगे जेएसएससी जे एग्ज़ाम अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है दोस्तों। अब एग्ज़ाम एजेंसी कौन लेगा वो भी हम लोग बात करेंगे, पर देख लेते हैं क्या है आज का अपडेट जेएसएससी द्वारा जारी किया गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैनल है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चाहे जेई का हो, चाहे सीजीएल का हो, या फिर कोई भी जितने भी एग्जाम जेएसएससी का द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण ये चैनल आपके लिए साबित होने वाला, ठीक है। इसलिए अभी आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आप आगे क्या। चल दोस्तों, पेपर वन जेई के लिए विद्यार्थी अभी तक पीडीएफ नहीं लिए जरूर ले लीजिएगा। 40 क्वेश्चन जो नॉन टेक पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है ये दोस्तों, इस 40 में से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा खासा स्कोर। अरे 40 में दोस्तों 25-30 स्कोर कर लिए ना, इसमें अधिक कर लेते हैं आप तो अच्छा खासा स्कोर मतलब रैंक बढ़ा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी जो होता है ना इस पोर्शन में 15 से 18 मैक्सिमम 20 करता है, उसके आगे करता ही नहीं है क्योंकि उसका नॉन टेक पोर्शन कमजोर होता है। तो बहुत अच्छा चीज़ बनाया है उसमें, आज में कंप्यूटर मिल जाएगा, क्वेश्चन झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर 6 महीने का मिलेगा, सब चीज़ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग फोन पे करके आप लोग मंगा सकते हैं पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे लिए, आप भी लीजिए। चलिए देख सकते हैं 2 तारीख का नोटिस है, 2 तारीख का, और आवश्यक सूचना संख्या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ओमार्स एंड सीबीटी आधारित परीक्षाओं के संचालन हेतु संख्या नंबर इतना 16/2021 द्वारा विभिन्न एजेंसियों को इच्छा की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित की गई थी। कब किया गया था? 16/2021 को किया गया था, ठीक है। उस वक्त की अभिव्यक्ति में बिनसे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सूचीबद्ध किया गया था, मतलब इसको चुना गया था परीक्षा लेने के लिए, ठीक है दोस्तों, उस 2021 में जो निकला हुआ था तब। चलिए झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या जो निकला हुआ था कि कार्य समिति निविदा में न्यूनतम दरदाता अर्थात L1 के आधार पर बिनसे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया था। मतलब एग्जाम आपको वही लिया था, पता है कि बिनसे कंपनी लिया था ना, जो ओमार सीट में एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, याद कीजिए उस समय यही लिया था आपको पेपर, मतलब एग्जाम, ठीक है। यही कंपनी लिया गया था, यही आप लोगों का करियर बर्बाद किया, ठीक है। इसका भी हाथ है और भी अधिकारी का भी हाथ है, ऐसा बात नहीं है, कंपनी का तो हाथ मेन होता है इसमें, ठीक है। यही आप लोगों का 1 साल 1.5 साल बर्बाद किया यही कंपनी, इसको इस मालिक को जितना आप गाली दे सकते दीजिए आप लोग, ठीक है। बिनसे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी आपका एग्जाम लिया था और करियर बर्बाद किया आप लोगों का, ठीक है। तदनुसार दिनांक 3/7/2022 को रांची, बोकारो तथा पूर्वी सिंहभूम जिलों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजन के उपरांत आयोग के समक्ष कुछ परीक्षार्थियों द्वारा एक अभिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र वायरल किए जाने की सूचना दी गई थी, ठीक है। जेएसएससी हालांकि मान नहीं रहा था इस बात को, फिर लड़का लोग मनवाए जबरदस्ती करके, ठीक है। अभ्यर्थियों को शिकायत पर पुलिस द्वारा नामकुम थाना में केस करवाया गया था और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्राथमिकता दर्ज की गई थी। साथ ही आयोग को सूचित किया गया कि पुलिस को अनुसंधान में एवं एक संगठित गिरोह द्वारा व्यापक स्तर पर प्रश्न पत्र लीक किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आयोग द्वारा इस संबंध में बिनसे टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी के कारण इस परीक्षा की गई, जिसमें एजेंसी द्वारा गई, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और ना ही प्रश्न पत्र लीक होने का कोई उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया, कंपनी द्वारा ऐसा बात बोला गया था। बाकी देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और चलिए इसमें क्या, बिनसे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का मालिक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मालिक तथा पूर्व डायरेक्टर अरुण कुमार एवं डायरेक्टर अजीत कुमार के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से प्रशासनिक कांड में संबंधित परीक्षा के प्रश्न लीक कराने के गिरोह के सदस्य अभिषेक कुमार के संपर्क में रहना, बिनसे टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी का मालिक तथा पूर्व डायरेक्टर अरुण कुमार एवं डायरेक्टर अजीत कुमार का प्रशासनिक कांड में संपलित होने के एवं कांड से संबंधित परीक्षा को प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के सभी सदस्यों के द्वारा सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वाले एक संगठित गिरोह संचालन करने का प्रमाण है। तो मिला था, साक्ष मिल गया था, मतलब प्रूफ मिल गया था दोस्तों, वही बताना चाह रहा है, ठीक है। और देख लेते क्या इंपॉर्टेंट है, और यही वही लिखा हुआ इसमें कि उसको मतलब ब्लैक लिस्ट में डाला गया। देख सकते हैं बिहार राज्य के सिपाही भर्ती बोर्ड की परीक्षा धर्म के गबन के संबंध में एक आधिकारिक बात लंबित है और वही समय जमानत पर बाहर है। मतलब बिहार में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी पेपर लीक किया था, उसमें पकड़ा गया था, इसकी वजह से एग्जाम नहीं लेता। ये कंपनी का छवि बहुत ज़्यादा खराब है, पता नहीं जेएसएससी कैसे दे दिया था इसको, जबकि इसको पता था पहले कि बिहार में इस टाइप का कांड कर चुका है ये कंपनी, फिर भी इसको दिया गया था 2021 में, ठीक है। चलिए और देख लेते क्या, परंतु सूचीबद्ध प्रक्रिया में भाग लेते समय बिनसे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोग को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। चलिए कोई बात, सूचना नहीं दिया गया था कोई बात नहीं, लड़कों को भविष्य तो बर्बाद किया गया ना, चलिए जो भी है, ठीक है। अब कैसे देता है एग्जाम का एजेंसी, कैसे क्या प्रोसेस है अब भगवान जाने, ठीक है। सब जानते हुए भी इसको दे दिया एग्जाम लेने के लिए, तो अब क्या ही कर सकते हैं। आयोग के इतिहास में किसी परीक्षा पत्र लिख किए जाने पर यह प्रथम दृष्टांत है। पुलिस अनुसंधान में MS ये देखिए क्या बोला है, आयोग के इतिहास में किसी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए जाने का यह प्रथम दृष्टांत है। भैया प्रथम नहीं है, हर एग्जाम में होता है, ठीक है। प्रूफ वहाँ पे मिल गया छात्रों के जबरदस्ती के कारण,
वो जेपीएससी में तो मार्कशीट गायब हो गया तो उसका तो जांच नहीं करवाए, जांच करवाते तो भी पता चल जाता आपको, ठीक है, लेकिन करवाए नहीं। खैर जो भी है, ये कहने के लिए प्रथम है। बाकी जो भी है, पुलिस अनुसंधान में बिनसे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में शीर्ष पदाधिकारियों की संलिप्त पाए जाने के सच मिलने की पुष्टि की गई, जिसके कारण देखिए एग्जाम को रद्द एवं जो रद्द किया गया था दोस्तों आपको एग्जाम, देखिए यही आपका मतलब समय बर्बाद किया, यही कंपनी, यही हरामखोर कंपनी जो आपको, ये जो कंपनी का मालिक अरुण कुमार जी मतलब फ्री फ्री हराम का पैसा खाने चक्कर में लोगों को बर्बाद करता है। क्या करोगे भाई, ऐसा ऐसा पैसा लेके लोगों का, गरीबों को बद्दुआ लेने से, ठीक है, कितना पैसा कमाओगे बताओ, है? हर एग्ज़ाम ये काम करते हो, पैसा में डूब मरो, नरक में जगह नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं बाकी दोस्तों क्या है, बाकी कुछ खास में लिखा नहीं है तो मैं क्लियर कर देखिए दोस्तों, जो भी है ना अभी आपका एग्ज़ाम तो TCS ले रहा है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि TCS एग्जाम अच्छा खासा लेता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता। और इस कंपनी के बारे में बता दिया कि इसको हटा दिया गया, अब किसी को शक होगा मान लीजिए कि एग्जाम कौन ले रहा है तो इसकी कंपनी फिर से हटा दीजिए इसको, इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। ये बिहार में बैन है और झारखंड बैन हो चुका है, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और जो आपका एग्जाम है दोस्तों वही सेप्टेम्बर में है, अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि दोस्तों चेंजिंग होना रहता है तो अब तक कोई नोटिस डाल देता है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि सीधा सीधे अब क्या डाल रहा है कि आप कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ऐसे आपको अपडेट दे रहा है, डिप्लोमा का अपडेट है, ऐसा बात नहीं है कि दूसरा एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, डिप्लोमा जेई के रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग पास समझ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। आज 2 तारीख हो गया, पूरा पूरी 1 महीना है, मतलब पूरा 1 महीना नहीं मान चलते, आप 10 दिन पहले मान चलिए, पूरा 20 दिन आपके पास है, क्योंकि 10 दिन तो आपको उधर रिविजन थोड़ा बहुत करने में टाइम लग जाता है। अब 20 दिन में जो करना हो कीजिए, अपना लाइफ आपको लाइफ बनाना है तो 20 दिन बनाइए, और नहीं बनाना है तो फिर उसकी ज़िंदगी भर अपने भटकते रहिएगा, ये सबसे बढ़िया मौका है, 20 दिन में अपना लाइफ सेट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और PDF जो नए खरीद लीजिए, क्यों लास्ट में रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों, और आप लोग के लिए पेपर 1 का PDF मटेरियल तैयार हो रहा है दोस्तों, पेपर 1 के लिए खास करके, टेक्निकल वाला बन रहा है अभी, समय लग मतलब हो ही गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, बस सिविल का जिसको बनाने दिए वो बना के दिया नहीं है, ठीक है अभी। और आपको पहले बता चुके सिविल का क्वेश्चन कौन बना रहा है, सेलेक्टेड बंदा है, पिछले बार एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर आया था JEE में, और अभी वो JPSC असिस्टेंट इंजीनियर में पोस्ट हो चुका है, मतलब सिलेक्शन हो चुका है उसका, ठीक है, और WRD डिपार्टमेंट उसको मिल चुका है। तो क्वेश्चन अच्छा सा बनाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए, इसलिए उसको जरूर लीजिएगा PDF को, अब जैसे मैं बन जाएगा आपको अनाउंसमेंट कर देंगे, ले लीजिएगा उसको, ठीक है। हालांकि 40 अभी फिलहाल के लिए 40 वाला अवेलेबल है, ले लीजिए उसको और पढ़िए पूरा नॉनटेक पोर्शन, क्योंकि नॉनटेक पोर्शन में आप बढ़त बना लीजिएगा तो आगे बढ़त बन जाएगा आपका, सिलेक्शन बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। और सिविल वाले खास करके बढ़िया से ध्यान दीजिए, अच्छा खासा सीट है, मौका इस बार बढ़िया है, बाकी इलेक्ट्रिकल और सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, चलिए कोई बात है, मेहनत कीजिए, जिसको होना होगा तो होना ही, सीट तो है उसके लिए भी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सिविल के लिए अच्छा खासा सीट है, ठीक है। चलिए तो इस चैनल आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी, कर लीजिए एक बार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसलिए अभी ये कंपनी का नाम नहीं बता रहा कौन एग्जाम ले रहा है, ठीक है, क्योंकि नहीं बता रहा, अच्छा कर रहा है दोस्तों, आपका एग्जाम देने से मतलब है ना, कंपनी से क्या मतलब है, लेकिन जिस तरह साइट वगैरह सब आ रहा है, सब TCS का पैटर्न पर दिखने को दिख रहा है, और पिछला बार जो एग्जाम होता TCS लिया था, अच्छा तरह का क्वेश्चन करवाया था, इस बार भी TCS आपका एग्जाम लेगा तो क्वेश्चन वैसे ही आएगा, ठीक है, हूबहू सेम क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करेंगे, तो आपके दोस्त वगैरह के पास क्वेश्चन होगा तो मंगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली रिपीट करने वाले, और उसी के पैटर्न पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।